नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों शिक्षा विभाग में जिस तरीके का सर फुटाउल नज़र आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। जहां एक तरफ अपर मुख्य सचिव के पाठक है तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, और इन दोनों का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों के साथ बैठक की है, वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यालय में भी एक अहम बैठक हुई है, जिसके बाद लगातार बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल के आए चंद्रशेखर तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो भी विवाद है उसको सुलझा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जहां राजद कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, उसके बाद MLC सुनील सिंह और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। जहाँ एक तरफ MLC सुनील सिंह ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2-4 IAS ऑफिसर को मंत्रियों के पीछे लगा देते हैं ताकि मंत्री जो है वो कंट्रोल में रहे। जिस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के बयानों का सिलसिला लगातार बरकरार है, आपको बता दें रामचरितमानस के बयान से लेके शिक्षक अभ्यर्थियों का बयान तक लगातार शिक्षा मंत्री अनलगल बयान देते हैं। वहीं शक्ति यादव ने इस आग को बुझाने के बजाय और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। आपको बताया, उन्होंने कहा है वो KK पाठक से सीधे सीधे कहने लगे कि KK पाठक को निलंबित किया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री के ऊपर के साथ ऐसा करना सीधे सीधे गलत है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों का वाक्य सुलझा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शक्ति यादव इन दोनों के वाक्यों को हवा दे रहे हैं और लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सुनील सिंह की बात कर ले तो वो लालू परिवार के काफ़ी करीबी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे पीछे भी ऐसे कई IAS अफसर लगाए थे ताकि मैं भी लगाम पे रहूँ। इसके साथ ही आपको बताए, लालू प्रसाद यादव दिल्ली जाने से पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर सिंह से मिले वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प था, क्योंकि चंद्रशेखर को लालू प्रसाद यादव ने काफ़ी कुछ समझाया और दोनों का जो विवाद है उसको लगातार बुझाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दोनों के विवाद को लगातार बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बैठक बहुत ज़्यादा अहम थी। जब मीडियाकर्मी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर से ये पूछा, सर क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। बात करें चंद्रशेखर सिंह की, तो वो हमेशा ही अनर्गल बयान देते हैं और हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे बात कर ले रामचरितमानस को लेके, रामचरितमानस का बयान आपको याद ही होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस एक भड़काऊ ग्रंथ है। उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बिहार में जो है वो अच्छे शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से वो बाहर के बच्चों को यहाँ लाएंगे ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाए। दोनों का जो विवाद है, अपर मुख्य सचिव KK पाठक का और शिक्षा मंत्री का, लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ये दो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, एक RJD कार्यालय में, दूसरा CM आवास में। दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन शक्ति यादव और MLC सुनील सिंह की बात कर ले तो दोनों ने इस आग को हवा देने का काम किया है। जहाँ दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आग को बुझाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे थे। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।